मॉर्निंग मॉर्निंग सर। चलिए जी, लास्ट टाइम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था बिजनेस साइकिल। क्या सीखा हमने उसमें? देश दुनिया की बातें, दुनिया जान की बातें सीखी हमने कि कैसे रिसेशन होता है, क्या होता है रिसेशन, बूम क्या होता है ना, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, ये सब जनरल बातें सीखी हम। चलिए खैर, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉस्ट, है ना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है। मुझे पेन बनाना है तो मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस पेन को बेचते हैं तो उसे सेल कहते हैं, बनाते हैं तो क्या कहते हैं इसे? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। बनाएंगे तो क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहते हैं इसे। किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो क्या कहलाता है? वो प्रोडक्शन। ठीक है बात। सोचिए किसी भी चीज को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। कोई भी प्रोडक्ट बनाए दुनिया में, उसका नाम कुछ भी हो, फैन हो, एसी हो, पेन हो, कार हो, वट एवर द नेम, इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? लेबर। देखिए बिना वर्कर के तो बात नहीं बनेगी, ये बात ठीक कह रहे हैं। वर्कर की तो जरूरत पड़ेगी, कुछ भी प्रोडक्ट हो वर्कर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। और लेबर तो एक हो गया, दूसरा और कैपिटल, पैसा चाहिए। बिना पैसे के कौन सा काम होता है? ठीक है बात, पैसा मनी चाहिए। और मशीन चाहिए, यस ठीक है बात। और जगह चाहिए, थोड़ी हवा में बनेंगी चीजें, फैक्ट्री होनी चाहिए। और बताइए, रॉ मटेरियल चाहिए। पेन बनाना तो प्लास्टिक चाहिए, पेन बनाना तो ये स्टील चाहिए, तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जरूर चाहिए, यस। और मेन चीज क्या है? इन सब चीजों से हो जाएगा प्रोडक्शन? नहीं, प्रोडक्शन बेटा, एडवर्टाइजमेंट तो सेल के लिए होता है, बेचने के लिए जरूरी है, बनाने के लिए थोड़ी। कि मैं बनाऊंगा तब जब ऐड करूंगा, पहले बना तो आप बिना एडवर्टाइजमेंट के भी सकते हैं। हाँ, बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, यस जी। बताइए और क्या चीज है, मुझे बताइए। वर्कर, हेलो, वर्कर अपने आप काम करते हैं? आप हो ही नहीं, यहां पर मालिक नहीं है, वर्कर काम करेगा क्यों? वर्कर का जन्म काम ना करने के लिए हुआ है। क्या काम है? वर्कर का जन्म किस लिए हुआ है? और बिजनेसमैन का जन्म क्यों हुआ है? काम करवाने के लिए। हम लोगों को वर्कर से काम कराना है। वो वर्कर जब घर से निकलता है उसे पता है कि मुझे काम नहीं करना, लेकिन जब बिजनेसमैन घर से निकलता है तो उसे पता है मुझे काम करना है। ये स्किल होनी चाहिए। अगर तो ये स्किल है तो आप बेहतर बिजनेसमैन हैं, स्किल नहीं है तो आप बेकार हैं। बेकार हैं तो क्या कहलाएंगे? अदरवाइज। और अच्छे हैं तो क्या कहलाएंगे? तो दो ही तरह के बिजनेसमैन हैं। हेलो 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 हेलो। तो यस, हमें चाहिए एक नया माइक। हेलो 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 हेलो, आती तो है ना। तो जाइए, एक चैप्टर हमारे पास पेज 17 पर आइए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, अबे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा बताइए, डॉक्टर भी कुछ प्रोड्यूस करता है क्या? एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया, जी मुझे डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है भैया, दवाई आप मार्केट से ले लो, ठीक हो जाओ। वो ठीक हो गया, उसने पैसे दिए, फीस, बात खत्म। डॉक्टर ने कुछ प्रोडक्शन करा, सोच कर बताइए। नहीं, मेडिसिन तो वो बेच ही नहीं रहा ना, ऑनलाइन है, उसने मुंह से बोल दिया बस। नहीं, सर्विस प्रोडक्शन है या नहीं है बात ये। प्रोडक्शन का मतलब क्या है इस चैप्टर में, पहले तो ये सीखना है, फिर सीखना है कि प्रोडक्शन में किन किन चीजों की जरूरत है। बस दो ही चीज सीखनी है, दो ही तो चीजें हैं इस चैप्टर में सीखने के लिए।
व्हाट इज प्रोडक्शन और प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़े। बस देखिए गवर्नमेंट का ये कहना है जो भी चीजों का प्रोडक्शन करोगे आप उस पर हम आपसे टैक्स लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। अब जिसने पेन बनाया गवर्नमेंट ने पूछा तुमने कुछ बनाया करा, हाँ जी टैक्स ले लो। एसी वाले से पूछा कुछ बनाया करा, हाँ जी टैक्स ले लो। डॉक्टर से कहा कुछ बनाया, उसने कहा नहीं, क्या टैक्स लें, नहीं। सीए से पूछा कुछ बनाया, उसने कहा नहीं, टैक्स दें, नहीं। टीचर से पूछा कुछ बनाया, कह रहा नहीं टैक्स दें, नहीं। लेकिन ये लोग भी तो कमाते हैं, गवर्नमेंट इन्हें कैसे छोड़ दे, समझ रहे हैं आप। प्रोडक्शन का मतलब लेमैन लैंग्वेज यानी आम बोलचाल की भाषा में कोई भी चीज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम चीजों का ट्रू मीनिंग ढूंढते हैं। जैसे हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा, कॉस्ट का मतलब आज से पहले तो आपको ये पता था जिसकी अकाउंट में एंट्री होती है बस, लेकिन हमने कहा तो गलत है, इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। ऐसे ही प्रोडक्शन का जो सही मतलब है गवर्नमेंट के नॉलेज से, आम बोलचाल की भाषा में तो जो चीज बनाते हैं दैट इज प्रोडक्शन, डॉक्टर्स वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होते। लेकिन एक चैप्टर अगर आपने किसी ने पढ़ा है नेशनल इनकम, पढ़ा है किसी ने नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में जब देश की इनकम निकालते हैं, मैंने कहा पूरे देश की इनकम निकालो उसे जीडीपी कहते हैं। पूरे देश की इनकम निकालने का क्या तरीका है बताइए, कैसे पता चले भारत की इनकम, भारत के लोगों की नहीं, भारत की इनकम कितनी, क्या तरीका हो सकता है। आप गवर्नमेंट हैं और आप चाहते हैं यार एक काम करते हैं अपने देश की कितनी इनकम है निकालो, फैमिली की इनकम कैसे निकालोगे। अच्छा ये घर में चार भाई हैं, चारों कमाते हैं, कैसे निकाल रहे हैं हम चारों की इनकम, चारों को बुलाओ पूछो भाई क्या कमाते हो, दूसरे से पूछो कितना, तीसरे से पूछो, चौथे से पूछो, टोटल कर दो जाए। लेकिन जब 150 करोड़ पूछने में 10 साल लग जाएंगे, रिकॉर्ड बंद कराएगा इतने 10 साल में, फिर कुछ चेंज हो जाएगा तो वो तो काम हो गए नहीं, कैसे करें, करती है गवर्नमेंट ऐसा। क्या टेक्नोलॉजी इनके पास बताओ, देश की इनकम पढ़ा तो है, तुम तो कह रहे मैंने पढ़ा है, बताओ फिर। अरे फॉर्मूले से थोड़ी होते हैं काम, फॉर्मूला बनाया क्यों, बात तो ये है, मुझसे बात करो बेटा। शायद अरे ये देसी भाषा में बात करो भाई, इनको नहीं पता फाइनल गुड्स क्या होता है जिन्होंने नहीं पढ़ा, फिर वही बात टेक्निकल। प्राइमरी इनको समझाया कुछ, क्या कहा इसने, नहीं समझाया, देसी भाषा में बात करो बिल्कुल जो सबको समझ आ जाए। किसी भी देश की इनकम निकालने का क्या तरीका है, पहला आसान तरीका सब लोगों से पूछ लो भाई क्या क्या कमाते हो, सच बोलोगे, क्यों इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। दूसरे देशों में तो बहुत आसान है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं कि भाई सब लोगों ने इनकम बताई हुई है उसका टोटल मारो, दैट्स ऑल खत्म। अमेरिका में 97.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वहां तो बहुत आसान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, 97.5% इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उल्टा है हमारे यहाँ रिवर्स चलते हैं। और बजट वाले दिन सब देखते हैं इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ, देना किसी को एक पैसा नहीं है, किसी को एक पैसे का टैक्स देना है नहीं, बस देखना है क्या करें। फिर दूसरा तरीका, ये तो फेल हो गया हमारे देश में, दूसरा तरीका क्या है, गवर्नमेंट करती है आजकल ऐसा, इनकम कोई नहीं बता रहा है खर्चे सब बता देते हैं, अरे हम तो वहां घूम कर आए हैं अभी खरीद, अब गाली खरीदी कर, इनकम को कितना कमाते हैं वो नहीं, अरे ऐसे कैसे बता देना, ये खरीदा मैंने वो खरीदा, एक की इनकम दूसरे का क्या है खर्चा है। अगर पूरे देश का खर्चा देख लें हम तो पूरे देश की इनकम आ जाएगी ना। दूसरा तरीका क्या है, लोगों के एक्सपेंडिचर देख लो बस क्या है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, अभी आप सी इंटरमीडिएट में सीखेंगे बात, जितने भी बैंक अकाउंट हैं
वो खुलेंगे तब जब आपके पास पैन नंबर होगा। पैन नंबर क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी आइडेंटिटी। जैसे शुभम नाम बड़ा कॉमन है हमारे देश में, अब शुभम नाम लाखों लोगों का है। अब शुभम ने कहा कि मैंने तो इनकम टैक्स पे कर दिया, अब गवर्नमेंट को कैसे पता कौन से शुभम ने पे कर दिया? तो उसको एक अकाउंट नंबर दे देते हैं, जैसे आधार नंबर, ऐसे इनकम टैक्स वाले क्या देते हैं? पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर के बिना इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते। अब बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता, अब क्या होगा? किसी ने बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करी तो वो किसे बताया? मुझे पता है। मान लो मैंने ट्रांजेक्शन करी, मुझे पता है, और किसे पता है? मेरे बैंक को पता है, और इनकम टैक्स को भी पता है। इनकम टैक्स जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसे कहते हैं इनकम टैक्स का जो स्टेटमेंट होता है ना जिसमें भरते हैं उसे रिटर्न कहते हैं, रिटर्न फाइल करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट की साइट पर एक पोर्टल होता है जिस पर आप पैन नंबर डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे, तो मेरी डिटेल, आपकी डिटेल सबकी खुल जाएगी। उसमें जब भी कोई बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में भी होती है और साथ के साथ कहाँ हो जाती है? उस पोर्टल पर भी अपडेट हो जाती है। इनकम टैक्स को पता है कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, इनकम टैक्स को पता है कि मैं बैंक के थ्रू क्या क्या चीजें खरीद रहा हूं। हाँ, कैश खरीद रहा हूं तो नहीं पता, कैश खरीद रहा हूं तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करी है, मान लीजिए मैंने कार खरीदी है, उसे पता है। किसे पता है? कार बेचने वाले को पता है, मुझे पता है, बैंक को पता है क्योंकि बैंक से पैसे दिए, और किसे पता है? उन्हें सब पता है, मार्क जुकरबर्ग हो रहे हैं वो भी, सब कुछ पता है। मेरे बैंक में कितने रुपए की एफडी है सब पता है, कितने रुपए का एफडी का ब्याज आया वो भी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ खरीदी, कितने की खरीदी, कब बेची, सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो दूसरा तरीका हो सकता है लोगों के खर्चे पता कर लो, बैंक अकाउंट ही नहीं है किसी का, अब करोड़ पता तो दिक्कत है, किसी का बैंक अकाउंट ही नहीं है। सोचिए इनकम टैक्स की रेट जब पड़ती है क्या होता है वहां? सुना आपने, टैक्स की रेट पड़ गई, छापा पड़ गया इनकम टैक्स का, क्या होता है वहां पर? है जी, क्या होता है ब्लैक मनी, काला पैसा का क्या मतलब है? व्हाट इज, आप सबसे बात करते हैं तो मैं कम चीज बताओ बेटा, व्हाट इज ब्लैक मनी? यस सर, जो आदमी पैसे कमाता है उसको टैक्स नहीं देता, टैक्स क्यों नहीं देता? जब मैंने कहा इनकम टैक्स को तो सब पता है, देखो क्या कैसे जो बचाते हैं ना, इनकम टैक्स को तो सब पता है ना आजकल, बचा कैसे ले? कैश का तो नहीं पता ना, आप सारी ट्रांजेक्शन कैश में करो, उन्हें सपने थोड़ी आ रहे हैं? आते हैं सपने, पता चल जाता है, लोग कंप्लेन कर देते हैं, पड़ोसी तो किलसता है, कॉम्पिटिटर भी तो किलसता है, वो लिख देते हैं जितने इधर देखो बहुत गोलमाल हो रहा है, टैक्सी चोरी हो रही है, छापा मारो, तो वो अपने गुप्तचर को भेजते हैं वहाँ पर, नज़र रखते हैं, रेकी कराते हैं, जाएंगे वहाँ पर पूछताछ करेंगे, देखेंगे इनका लाइफ स्टाइल क्या है, कितने रुपये का टैक्स पे कर रहे हैं। अब टैक्स तो पे कर नहीं रहे, हर साल यूरोप घूम कर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा भाई? इसका मतलब कुछ ना कुछ झोलमोल है। वो रेड मारते हैं, रेड के दौरान क्या करते हैं वो पता है आपको? वो पूरे घर को छान मारते हैं, कैश ढूंढते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं? वो देखते हैं उसका लाइफ स्टाइल क्या है, वो देखते हैं किस ब्रांड के कपड़े पहनता है, किस ब्रांड का सोप यूज करता है। देखिए जब पैसा होता है ना तो आदमी पैसा खर्च भी करता है, कंजूस तो खैर होते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ शौक होते हैं लोगों के। अब सोचिए एक आदमी इनकम टैक्स तो दे रहा है साल के 10,000 रुपये, और गाड़ी आया उसके पास BMW, अब कहाँ से आई भाई? इसका मतलब ब्लैक मनी का मतलब वो पैसा है जिस पैसे की गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं है, विदाउट बैंक आपने वो पैसा रूट कर लिया। दूसरा तरीका है, लोगों ने दूसरा तरीका निकाला, लोग तो स्मार्ट हैं, अपने नौकर के नाम से अकाउंट खोल लिया, क्योंकि कार खरीदने वालों से भी गवर्नमेंट ने कहा तुम कैश पैसा नहीं लोगे, चुप पत्ता नहीं चाहेंगे कैश नहीं लोगे तुम आज के बाद, 1-2 लाख ले सकते हो बस, बाकी सब पैसा कैसे लेना पड़ेगा? बैंक से, बैंक से लेंगे तो पता चल जाएगा। क्या करा?
नौकर के नाम से ले लो, समझ गया बात। गवर्नमेंट को ये भी पता है जब रेड मारते हैं वो तो सब लोगों के खाते चेक करते हैं, उनके यहाँ जो काम करता है स्टाफ रिलेटिव वो पड़ोसियों से सब पूछ लेते हैं। जब लड़की का रिश्ता होता है तो लड़की वाले भी तो ऐसे करते हैं, लड़के के बारे में तहकीकात करते हैं ना, पड़ोसी से पूछेंगे, दोस्तों से पूछेंगे लड़के के, फेसबुक पर टटोलेंगे लड़का शराब तो नहीं पीता। हाँ तो तुम जो स्टेटस डाल देते हो ना आजकल लोग का ये करते मत डाला है, रिश्ता नहीं होगा, लड़की के पापा यही काम कर रहे हैं आजकल, लड़के की फेसबुक खंगाल डालते हैं पूरी, इंस्टाग्राम फेसबुक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं तो फोटो डाली होगी ना अगर शराब पीता है वो, कहीं ना कहीं तो डाली होगी, ऐसा नहीं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नजर रहती है, कैश ट्रांजेक्शन्स पर रोक लगा दिया, कार खरीदेंगे तो कैश नहीं चलेगा, और भी तमाम रोक हैं, बैंक में भी कैश के ट्रांजेक्शन कम कर दिए, कैश जमा करेंगे तो नहीं कर सकते आप, निकालेंगे तो नहीं निकाल सकते आप। गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैसी हो, बैंक के, और बैंक के थ्रू होगी तो इनकम टैक्स को पता चली जाना, इनकम टैक्स को पता चलेगा आपसे टैक्स वसूल कर लेंगे। इवन जीएसटी में तो ऐसा कर दिया इन्होंने, अगर किसी व्यक्ति पर शक है गवर्नमेंट को कि ये जीएसटी की चोरी करता है तो ये क्या करेंगे, उसके बैंक से बात करेंगे कि भाई इसके बैंक में कितने पैसे, उसने अभी 5 लाख, अरे हमारे हिसाब से तो 4 लाख की जीएसटी बनती है, इसके अकाउंट से 4 लाख निकाल लेंगे, उसे पता भी नहीं, वो सोच रहा फ्रॉड हो गया किसी ने पैसे निकाल लिए, उसके अकाउंट से 4 लाख निकाल कर अपने पास रख लेंगे, फिर पूछेंगे हाँ भैया बता क्या कहना है, हमारे हिसाब से 4 लाख बनते हैं, अब तुझे लग रहा है गलत करा केस कर दे हमारे ऊपर, कोर्ट में लड़ ले हमारे से, जीत जाएगा तुम दे देंगे पैसे, वरना हमारे पास तो आई नहीं। ये खौफ बैठाना जरूरी है, लेकिन तब भी लोग डरते कहाँ हैं, हम जैसे भी तो बैठे हैं, हमारा काम क्या है, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करना, समाज सेवी हम लोग, समाज सेवा नहीं है, कोई परेशान है बेचारा हाय टैक्स वालों का छापाना पड़ जाए, तो उन्हें बताते हैं कि पैसा कैसे छिपाना है कहाँ छिपाना है। तो खैर वापस आइए, प्रोडक्शन इनकम पूछ लो लोग नहीं बताते, खर्चा यस गवर्नमेंट की नज़र खर्चों पर रहती है आजकल, कौन व्यक्ति कितने पैसे खर्च कर रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, क्यों खर्च कर रहा है, शादियों पर भी नज़र इनकी, जो बड़े बड़े रिसॉर्ट्स में शादियाँ होती हैं वहाँ भी इनकी नज़र है, वहाँ अपने जासूस छोड़ देते हैं, देखो भाई कितने रुपये शादी में खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, टैक्स तो देता ही नहीं क्योंकि शादी में कैश ही खर्च होता है। अब तंबू वाला थोड़ी कहेगा भाई साहब चेक से पेमेंट लोगों से, तो कैश दे दो आप, कैश ठिकाना लगाते रहो कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरा तरीका क्या है, खर्चे में भी ना लोग स्मार्ट हैं, नौकरों के नाम से ले लिया, अब सब पर भी कहां तक नजर रखे, इतना स्टाफ थोड़ी है गवर्नमेंट के पास। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा एक और आसान तरीका है जो हमारे देश में ज़्यादा फेमस है, प्रोडक्शन मेथड। ये देखो क्योंकि जीएसटी में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं होता वो छापा मारकर पकड़ लेते हैं उसे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास एक डेटा जरूर है कि किस आदमी ने कितना प्रोडक्शन करा फैक्ट्री में, प्रोडक्शन करा तो वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं वो, समझ गया, तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो डॉक्टर्स हैं वो तो बच गए, नहीं बच गए, डॉक्टर्स ने कमाई करी लेकिन फैक्ट्री तो नहीं है उसकी, इसीलिए इकोनॉमिक्स में, सिर्फ इकोनॉमिक्स में और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पढ़ने का तरीका अलग है, हमारे इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब गुड्स बनाना ये तो है ही है, प्लस सर्विसेज देने को भी हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कह देते हैं उसे, क्यों, क्योंकि हमें पूरे देश की जब इनकम निकालनी होती है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई प्रोडक्शन देख लो कितना है, और वहीं लिखा है प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, समझ गया ना, यस सर। बिस्किट बनाना प्रोडक्शन है लेकिन बिस्किट को डिलीवर कर रहा है ब्लिंकिट वाली कंपनी, ना सुना होगा आपने, जोमेटो वोमेटो जो डिलीवर कर रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में सर्विसेज प्रोवाइड करना भी किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन।
क्यों आता है? तो पूछा आपसे यार ये कैसी बकवास डेफिनेशन है, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने कहा ऐसा, नेशनल इनकम निकालते हुए गवर्नमेंट ने कहा प्रोडक्शन मेथड से निकालो, कितना प्रोडक्शन हुआ है? तो डिपार्टमेंट वाले भी चालू कह रहे हैं सर ये तो सब लोग बच गए, उन्होंने कहा नहीं इसी डेफिनेशन को चेंज कर दो, प्रोडक्शन का मतलब क्या कर दो, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, पढ़िए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अरे एक वर्ड सुना आपने स्मगलर, स्मगलिंग क्या होता है, व्हाट इज स्मगलिंग? चुपके से मतलब तेजी से नहीं जा सकते बताकर, सर मतलब किसको बताना चाहिए ऐसा, ऐसा क्या सामान है जो बताना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। स्मगलिंग का मतलब पुराने पिक्चरों में स्मगलर होते थे, अमिताभ बच्चन की मूवी होती थी पुराने, इसमें गोल्ड की स्मगलिंग दिखाते थे। स्मगलिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आप विदेशों से इंडिया ला विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, मैंने कहा था ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या लगता है कस्टम, कस्टम ड्यूटी पे किए बिना अगर आप कोई प्रोडक्ट बाहर से हमारे देश में ले आते हैं दैट इज दिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्मगलिंग, और जो करता है उसे क्या कहते हैं स्मगलर, उसे क्या कहते हैं। तो एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा अगर गए होंगे आप कभी, या पोर्ट पर आप देखे तो वहाँ वाइट ड्रेस होती है इनकी कस्टम ऑफिसर्स की, तो किसी को भी रैंडम चेक कर लेते हैं भी बैग में क्या है, तो देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट जो खरीदा है आपने इसका बिल विल है आपके पास, इस पर टैक्स वैक्स पे करा आपने नहीं पे करा, वो पूछते हैं आपसे, डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है एयरपोर्ट पर कि देखिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो सब खरीद के लाए हैं, थोड़ा बोला कुछ अलाउड है, कुछ लाख रुपए का आप खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा खरीदेंगे तो यह रुपये कस्टम ड्यूटी, तो इसे क्या बोलते हैं स्मगलिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ड्रग्स भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड पर टैक्स है हमारे देश में, जब आप दूसरे देश से यहाँ लाते हैं तो टैक्स लगाती है फॉर्मेट, तो ये लोग क्या करते हैं स्मगलर लोग विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी यहाँ ले आते हैं और ज्वेलर को बेच देते हैं, उन्हें फायदा हो जाता है। भाई एक चीज़ बाहर तो 1 लाख की है, हिंदुस्तान में मान लीजिए वो चीज़ 1.25 लाख रुपए की, तो क्या करो आप बाहर से खरीदें यहाँ बेचते रहो, बाहर से खरीदें यहाँ बेचते रहो, बाहर से कितना अच्छा काम। तो ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, उसमें कुछ अमाउंट अलाउड है शायद 4-5 लाख कुछ अलाउड है उसमें, तो वो लोग क्या करते हैं स्मगलर लोग, वो लोगों से कहते हैं हम आपको फ्री घुमाएंगे दुबई का टूर है फ्री, या 1 लाख की कॉस्ट है हम आपसे सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये लेंगे, घूमो फिरो कुछ ही करो, लेकिन बदले में आपको एक पैकेट देंगे बस वो हमें पकड़ाना है, जितनी लिमिट अलाउड है उतना दे देते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अलाउड है ना, तो वो वहाँ पर उसे दे देते हैं, तो उनको हर ट्रांजेक्शन में बच जाते हैं बस, गवर्नमेंट को पता है वगैरह ठीक है चलो हिंदुस्तान के लोग घूम कर आ रहे हैं सामान क्या दिक्कत है। तो खैर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, गुड्स का प्रोडक्शन करना एज वेल एज। अच्छा बताइए कौन सा देश अमीर है कौन सा देश गरीब है, कैसे पता चलता है, क्यों हमारा देश पिछड़ गया अमेरिका क्यों आगे, तो मेन कारण है क्यों अमेरिका इतना पावरफुल है, ऐसा क्यों है, चाइना क्यों बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन, ध्यान रखे जिस देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगी वो देश उतना ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, क्यों, प्रोडक्शन होगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, हाँ होगा लोगों के पास प्रोडक्शन होगा तो भैया प्रॉफिट भी होगा, मान लीजिए यहीं पर ही सारी कंपनी आ जाए तो यहीं कमाएंगे, खर्च भी तो कहाँ करेंगे, यहीं खर्च करेंगे, यहीं घर खरीदेंगे तो महंगे अच्छे घर बनने चले जाएंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, कार कंपनी उनकी सेल हो जाएगी, उनसे रिलेटेड अच्छे स्कूल बनेंगे है ना, हॉस्पिटल अच्छे बन जाएंगे। तो जिन जिन देशों में प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा है उन उन देशों में अमीरी ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी कम है, पाकिस्तान क्या प्रोडक्शन होता है, क्या बात कह रहे हैं, कुछ क्यों नहीं होता सही वगैरह होता तो है, इसलिए देश खत्म हो गया, जिन देशों में कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, जब प्रोडक्शन ही नहीं करोगे आप तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, और जीडीपी नहीं बढ़ेगी देश की तरक्की नहीं होगी तो लोगों की तरक्की कैसे होगी, पढ़िए व्हाट इज प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. दोज कंट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आर रिच लाइक यूएसए एंड दोज कंट्रीज हु प्रोड्यूस स्मॉल टर्म्ड एज पुअर. हम लोग धीरे धीरे लेकिन अब हालात चेंज हो रहे हैं. जैसे आपने अगर सुना होगा सेमीकंडक्टर चिप होती है जो सभी प्रोडक्ट में लगती है ना, वो चिप जनरली जब यहीं से आती थी चाइना से. चाइना ऐसा पता नहीं क्यों था वहीं से आती थी सब जगह, पूरी दुनिया को भी बेचता था. अब कोरोना के बाद इंडिया ने देखा मौका अच्छा है, मोदी जी ने कहा भैया एक काम करो सारी फैक्ट्री यहाँ खोलनी शुरू करो. और ऐसा अनुमान है अगले 2 साल में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बनेंगी तो हिंदुस्तान में बनेंगी. सब फैक्ट्री शुरू होगी, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा. फैक्ट्रीज वाले कमाएंगे तो कमाकर थोड़ी कहीं ले जाएंगे, खर्च भी कहाँ करेंगे, नहीं खर्च करेंगे. इन कॉमन प्रैक्टिस बी पॉइंट द टर्म प्रोडक्शन इज यूज फॉर एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटीरियल. किसी चीज को बनाने के लिए जो एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन. द ग्रोइंग ऑफ वीट, किसान ने अगर चावल को उगाया. राइस बाय फार्मर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, रेडियो सेट, मशीनरी और एनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज ऑफन रेफर्ड टू एज. कुछ भी बना रहे हैं, किसान बनाए, बिजनेसमैन बनाए, फैक्ट्री ओनर बनाए, कुछ भी बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन. बट इन इकोनॉमिक्स द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस. लेकिन यहां हम इसका दायरा बढ़ा देंगे. इन इकोनॉमिक्स बाय प्रोडक्शन वी मीन द प्रोसेस बाय विच मैन यूटिलाइज और कन्वर्ट द रिसोर्सेज ऑफ नेचर सो एज टू मेक देम सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. यहां क्या लिख दिया, वो सब चीजें प्रोडक्शन है जिससे लोग सेटिस्फाई होते हैं. अब एक पेशेंट है बुखार है, उसके सेटिस्फेक्शन क्या है, भाई बुखार उतर जाए तो डॉक्टर ने देखा वो ठीक हो गया, तो उसको भी क्या कह दिया हमने, प्रोडक्शन. खाने के लिए चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, किसान ने उगा दिया तो वो क्या है, प्रोडक्शन. समझ रहे हैं बात, तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, प्रोडक्शन. डी पॉइंट, सो प्रोडक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई दी वॉन्ट्स ऑफ लोगों की इच्छाएं पूरी करे, वेदर इट इज फॉर मेकिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस. देख रहे हैं आप, चाहे वो गुड्स के थ्रू चाहे वो सर्विस के थ्रू. प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां देख लेंगे इसका मतलब क्या है. सो इन इकोनॉमिक्स इफ मेकिंग क्लोथ बाय एन इंडस्ट्रियल वर्कर इज प्रोडक्शन. अगर कपड़े बनाना एक प्रोडक्शन है. द सर्विस ऑफ रिटेलर हु डिलीवर इट टू द कंज्यूमर. अगर आप उसे डिलीवर करते हैं कुरियर के थ्रू तो वो भी क्या है, क्लोथ. सिमिलरली द वर्क ऑफ डॉक्टर, लॉयर, एक्टर, डांसर एक्सेट्रा इज प्रोडक्शन सिंस द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय देम टू सेटिस्फाई द बॉन्ड्स ऑफ दोज पे फॉर. तो सारे एग्जांपल चारों जो हैं ऑल दो सर्विसेज के हैं, बट इकोनॉमिक्स में सर्विस हो या गुड्स हो दोनों को ही क्या कह देते हैं, हम प्रोडक्शन. अब बात याद है कि प्रोडक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है. मैंने आपसे कहा देखिए तमाम तरह की फैक्ट्रीज हैं, सब में कुछ ना कुछ जरूरत है, बट ब्रॉडली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. लैंड, जगह होनी चाहिए, लेबर, वर्कर्स होने चाहिए, कैपिटल, पैसा होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर, एक ऑनर होना चाहिए जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे. समझ गया बात, क्या कहें, 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस में ये 4 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, बिना इसके प्रोडक्शन नहीं हो सकता. देखिए मुझे बताइए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, पेप्सी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है. रॉ मटेरियल, शुगर, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, और शुगर, प्लास्टिक बॉटल, फैक्ट्री वर्कर, पैसा, और पानी में तो चाहिए, पानी में तो बोलते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैंड चाहिए. अभी पानी कहाँ आएगा, लैंड में है, लेबर में है, कैपिटल में, एंटरप्रेनर में, कहाँ है. पानी कहाँ है, मैंने कहा 4 ही कैटेगरी है बस, इन 4 कैटेगरी में से ही किसी को कहीं ना कहीं फिट करना है. मतलब पानी जमीन है, फायर, आग. अब बताओ कहाँ है, हवा, चार ही कैटेगरी है वैसे.
इसलिए ये जो नाम है ना लैंड, इसे कंफ्यूज मत होना। इकोनॉमिक्स में चीजों को नाम से ना देखकर काम से पहचाना जाता है। मैंने कहा चार ही कैटेगरी, तो इनकी टर्म्स को वाइड करना पड़ेगा। जैसे लैंड का मतलब तो जमीन से होता है, लेकिन हमने देखा यार लैंड का मतलब, लैंड किसने बनाया? नेचर ने, नेचुरल रिसोर्स है, हमने थोड़ी बनाई। और क्या क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? हवा है, पानी है, आग है, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसलिए लैंड का मतलब लैंड तो है ही, प्लस जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइंस है, खदान जो होती हैं, वो सब किसके अंदर काउंट कर लिया हमने? ठीक है भाई। यस सर। लेबर का मतलब क्या है? व्हाट इज लेबर? लेबर किसे कहते हैं? श्रमिक। श्रमिक कौन होता है? जो सड़क खोदता है, जो कंप्यूटर चलाता है, कौन है श्रमिक? लेबर, जो सड़क खोद रहा है और जो कंप्यूटर चला रहा है, जो सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब देखिए फैक्ट्री में दो तरह के लोगों की जरूरत है, एक वो जो फिजिकल काम करे, एक वो जो मेंटली काम करे। मैंने कहा चार ही जगह है बस, यानी जिन्हें हम पैसे दे रहे हैं उन सबको यहीं डाल दो, चाहे वो मेंटली वर्क कर रहा हो, चाहे वो फिजिकली काम कर रहा हो। समझ गया बात? वैसे लेबर का मतलब वही होता है जो फिजिकल वर्क करे। लेबर का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर ऑपरेटर को लेबर नहीं कहते हम, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो भी लेबर है। अमिताभ बच्चन ने एक मूवी में काम करा, पैसे ले लिए, तो अमिताभ बच्चन भी लेबर है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। मूवी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है? लोकेशन चाहिए, कैमरा चाहिए, पैसा चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, और हीरो हीरोइन भी तो चाहिए। अब इन्हें जो पैसे दिए हैं तो ये उसके लिए तो लेबर है ना, काम कर रहे हैं पैसे के लिए, तो उसे भी किस में डाल देंगे हम? लेबर। चलो तुम लेबर, किसके हिसाब से? अमिताभ बच्चन को कह सकते हैं सर आप लेबर हो, किसके हिसाब से? इकोनॉमिक के हिसाब से, बस ये जरूर बोल देना, क्योंकि वो लेबर है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के हिसाब से, वैसे नहीं है। तो चार ही कैटेगरी हैं बस, कितनी कैटेगरी हैं? चार। लैंड, लेबर, कैपिटल और भाई ये ट्रू बिजनेसमैन कौन है? जो वाइस है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए वाइस की? किसे बोले ये बंदे में दम है भाई? जो कैसे पता चले इसने डीप स्टडी करी है? इनोवेशन, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, वो बिजनेसमैन बेहतर बिजनेसमैन माना जाता है जो नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करता है। तो देखिए आइडियाज, एक आइडिया आप लेकर आएंगे कॉपीकैट है, दूसरा उसे चोरी कर लेगा। जो भी नया आइडिया आता है वो कुछ दिन तक यूनिक रहता है, कुछ समय तक, उसके बाद सब लोग क्या करते हैं उसे कॉपी करते हैं। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, पहले कॉल चार्जेस होते थे, अगर आप किसी को कॉल करें तो वो आप एक सेकंड बात करें, पाँच सेकंड बात करें, एक मिनट के पैसे कटते थे। समझ गए? फिर यूनिनॉर आई कंपनी, यूनिनॉर, उसने कहा यार ये तो गलत कर रहे हैं, किसी इंसान ने बस पाँच सेकंड बात करी और कितने देर का पैसा देना पड़ा, तो उसने कहा हम आज से एक पैसा पर सेकंड खत्म, एक सेकंड बात करो एक पैसा, दो सेकंड बात करो तो दो पैसे। पहले वो एक मिनट के 60 पैसे ले लेते थे, अब तुमने दो मिनट दो सेकंड बात करी 5 सेकंड करें, हमें मतलब नहीं है, हम तो एक मिनट का ही काटेंगे। नया आइडिया है देखो उसका, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सारे कस्टमर भाग कर कहाँ पहुँच गए? एयरटेल ने कहा अच्छा ये तो बड़ी गड़बड़ है। 10-15 दिन के बाद ही एयरटेल ने भी घोषित ना कर दी कि आज से हम भी कितना पैसा लेंगे? एक पैसा। फिर जियो आ गया, अच्छा एक पैसा, अरे कोई पैसे वैसे का चक्कर नहीं है, एक साल फ्री। अब फ्री की तो हिम्मत हुई नहीं इनकी बेचारा की, फिर उसने कहा यार ये सब चक्कर खत्म, फिक्स कर दो बस, 600 रुपये 3 महीना, दैट्स ऑल, खत्म, 600 रुपये 3 महीना।
अच्छा बड़े खुश हुए, जियो 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 जियो, एकदम से फिर क्या करा एयरटेल ने, उसने कहा भाई साहब हम भी ऐसा ही करें। मतलब कोई भी नया आइडिया ना आप देख रहे हैं कुछ ही दिन तक चलता है, फिर आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिर नई चीज लानी पड़ेगी आपको, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। तो जो ट्रू बिजनेसमैन है उसकी खासियत यही है, वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कस्टमर को रिटेन करना है तो इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने पड़ेंगे। और हम आज कोई घोषणा करेंगे तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने से तो रोक नहीं सकता ना। यस सर। ये आपका जो प्लान है हमें लग रहा है अच्छा है, सुन तो अच्छा प्लान निकाल, हमारे दिमाग में तो आया है, चलो हम भी ऐसा ही करें, इसे तो रोक नहीं सकता ना कोई। तो खैर चार चीज़ें पढ़िए, एंटरप्रेनर से शुरुआत करते हैं 11.8 से, पेज 74। अच्छा एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है एंटरप्रेनर, क्या फर्क है? बिजनेसमैन नहीं कर सकता, क्या अरे होता कौन है, सेल्स तो बढ़ना बात की बात है। देखिए एक तरीका तो यह है कि एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, आपने भी उसके बराबर में एक और मेडिकल स्टोर खोल दिया, ये बिजनेस है, बस सिंपल बिजनेस मैन है, अगर आपने कुछ उखाड़ा नहीं, कुछ नया नहीं करा, समझ रहे हैं बात। एक दूसरा आया व्यक्ति वो कह रहा है यार ये काम तो कोई कर ही नहीं रहा, मैंने बिल्कुल नए तरीके से काम कराया। जैसे अभी शार्क टैंक में आया एक बंदा, उसने क्या करा, उसने देखा कि मेडिसिन क्या होती हैं, पूरा पैकेट खरीदना पड़ता है, 10 टैबलेट हैं, तो कह रहा ये तो बड़ी दिक्कत की बात, अब किसी के सर में दर्द है, हालांकि मेरठ जैसे शहर में दे देते हैं वो एक दो टैबलेट, बड़े शहरों में नहीं, और गवर्नमेंट के रूल भी ऐसे हैं कि आप ऐसे मत बेचो दूस, क्योंकि उस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती ना, भाई आपने दो मेडिसिन खरीद ली उस पर एक्सपायरी डेट आई क्या करें। तो उसने नया इनोवेशन क्या निकाला कि आप हमें मेडिसिन का पर्चा दो, और डॉक्टर ने कहा सुबह ये 3 गोली खानी है, दोपहर को ये 4 खानी है, शाम को ये 2 खानी है। अब कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे हैं चलो समझाती बात, जो बेचारे गांव देहात के हैं तो उन्हें तो ध्यान ही नहीं रहता, वो खानी है ये दवाई खा लेंगे, वो उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। तो उन्हें आप पर्चा दो, प्रिस्क्रिप्शन दो कि 3 दिन की दवाई है, तो वो उनके पास एक मशीन है, उस मशीन में वो रैपर डालेंगे दवाइयाँ जैसे भी करते हैं वो, और वहीं से पैकेट बन कर आएगा मंडे मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट या जो भी डोजेज दिए हैं, और उस पैकेट में दवाइयाँ होंगी, बस 3 हैं तो 3 होंगी, 4 लिखे हैं तो 4 होंगी, 2 हैं तो आपको कुछ नहीं करना, उस पर लिखा होगा सुबह या मॉर्निंग, आप हिंदी में चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में चाहते हो लोकल लैंग्वेज में, है कुछ नहीं बात नहीं। एक समस्या थी ना, एक दिक्कत थी कि भाई दवाइयाँ तो ले ली लेकिन खाएँ कैसे नहीं, अब नाम भी बड़े अजीब गरीब से होते हैं, समझ में नहीं आता, डॉक्टर का पर्चा तो डॉक्टर से नहीं पढ़ा जाएगा, ध्यान ही नहीं रहता, अब क्या करें कैसे करें। तो ये काम बिजनेसमैन का है या एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी नई सोच के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको सक्सेसफुल होना है तो बिजनेसमैन बने या एंटरप्रेन्योर बने, कुछ भी नया करेंगे तभी चलेगा। देखिए ट्रेडिशनल काम भीड़ जो कर रही है वो आप भी करेंगे तो जितना वो कमा रहे हैं उतना ही कमाओगे आप, सब बीकॉम कर रहे हैं आप भी कर लो बीकॉम, ना उनकी जॉब लगेगी ना आपकी लगेगी, बात हाँ कुछ अलग हटके करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और सोचिए आप क्या कोर्स कर रहे हैं, सीए, एक कोर्स क्या एक प्रोफेशन है म्यूजिशियन का, कितना टफ है, मैं सोचता हूँ कभी कभी, मतलब एक व्यक्ति वो है जो गाने लिख रहा है नई धुन जो आज तक दुनिया में बनी नहीं, आप क्या पढ़ रहे हो जो 70-75 साल से सेम चल रहा है, बस उसमें कुछ सेम छोड़िए, जो डेबिट क्रेडिट आपके फादर फॉर फादर ने पढ़ा है वो यहाँ पर मशीन अकाउंट डेबिट मशीन खरीदी तो बस, इसमें क्या नया सीख लिया आपने, क्या इनोवेशन कर लिया आपने। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सॉफ्टवेयर बना रहा है जो दुनिया में बनाई नहीं कभी, एक मूवी डायरेक्टर वो पिक्चर बना रहा है जो बनी नहीं कभी, समझ गया आप बात।
मतलब कितना मुश्किल काम है, जो दुनिया में 800 करोड़ लोग रह रहे हैं, किसी ने नहीं करा, वो आप कर रहे हैं बैठे। कितना मुश्किल काम, ऐसे तमाम लोग हैं जो वो सब काम कर रहे हैं जो किसी ने करा ही नहीं आज तक, अकेला है वो दुनिया में। बस एक नई धुन लिख दी, नया गाना लिख दिया, अब लोगों को अच्छा लगे ना बोले, ये भी तो दिक्कत है, ये आप ही को तो अच्छा लगा क्योंकि नया है, पता था ही, या एस्टेब्लिश गाना है चलो तो लोगों को पसंद आ गया, लेकिन आपका ही क्यों सुनेंगे, तो पहले से है। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं पता है ना, पेपर कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा बस, इससे बाहर तो आएगा, ये भी नहीं पढ़ते लेकिन बच्चे, दिक्कत ही है। आईटी इंजीनियर देखो क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो सोचे नहीं किसी ने, वो बना रहे हैं वो चीज़ें, बनाने के बाद ये नहीं पता चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि नहीं है ना, हो सकता है लोग एक्सेप्ट ना करें, कितनी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। अब डायरेक्टर ये थोड़ी सोच के बनाता है खराब पिक्चर बनाएंगे, चल अच्छा नहीं चले, वो तो अपने हिसाब से सोचता भी, मैंने तो कुछ नई चीज़ बनाई है, लोगों को नहीं अच्छी लगती। आमिर खान ने बनाई पिक्चर अभी पीछे, नहीं चली, लोगों को नहीं अच्छी लगी। कौन सी आई थी, लाल सिंह चड्ढा। ऑल दो मैंने दोनों पिक्चर देखी है पठान, मेरे हिसाब से पठान से कहीं ज़्यादा अच्छी है लाल सिंह चड्ढा, लेकिन एक ट्रेंड होता है बस, लोगों को नहीं अच्छी लगी। इनोवेशन, लेकिन वो फिर जुट गया, चलो भी कोई बात नहीं, कुछ और लाएंगे हम नया। आमिर खान की पिक्चर का लोगों को इसलिए जा रहा है क्योंकि नया लाता है वो कुछ, जब भी पिक्चर आएंगे उसकी बिल्कुल यूनिक आएंगे। सलमान खान की एक जैसी आती है पिक्चर, सब कुछ नया नहीं होता, स्टोरी पता है लोगों को, एक्टिंग पहले से पता है, सब कुछ पता है उसके बारे में। आई एंटरप्रेनर, इट इज़ नॉट एनफ टू से दैट प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड लेबर एंड कैपिटल। वो कह रहे भैया खाली इन तीन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, इन्हें मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए, कितनी जगह लेनी है, कहाँ लेनी है, कौन वर्कर आएगा, किस वर्कर को कितने बजे बुलाएं, किस वर्कर को क्या काम दें, तमाम काम है। देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच कम्बाइन दीज फैक्टर्स, मार्क कीजिए विच कम्बाइन, जो इन सब चीजों को जोड़े। मुखिया, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो से शुरुआत करे। रिलायंस के मालिक कौन है, कौन है रिलायंस कंपनी के मालिक, मैं भी हूं उसका मालिक, मेरे पास भी उसके शेयर है, लेकिन मुझे लोग नहीं जानते, क्यों, क्योंकि मैंने उस कंपनी की शुरुआत नहीं करी। शुरुआत किसने करी है, इनिशिएट द प्रोसेस, तो उसी का रिस्क ज्यादा था ना। देखिए सफल होने के बाद तो हर आदमी कह देता है, किसी के खानदान में कोई आईएएस बन जाए तो सब कहते तो हमारा भाई तो है, सगा भाई है, भाई है, जीवन में ना मिला उसे, आज से पहले उसकी बुराई करता खूब, अब तो भाई है, अरे भाई है बिल्कुल, घर में शक्ल ना देखे चाहे जीवन में आज तक। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, इनिशिएट द प्रोसेस, वो उस काम को शुरू करेगा। एंड बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन इट, और सारा रिस्क किसका है, बिजनेसमैन। देखिए वर्कर को फिक्स पैसे मिलेंगे उसे, वर्कर ने माल बना दिया बिका नहीं, क्या कह सकते हैं वर्कर से यार पैसे तब दूंगा जब बिक जाएगा, मान जाएगा आपकी बात, तो कहेगा भाई साहब बेचे ना बेचे मुझे इस बात से क्या मतलब, इस बात से मुझे क्या मतलब है, मुझे पैसे दो, गवर्नमेंट से आप कह रहे हैं सर देखिए लाइट का बिल दे देंगे अभी जरा माल बेचते हैं तब देंगे उसके बाद, लैंडलॉर्ड से कहते हैं सर देखिए रेंट दे देंगे अभी माल बेचने, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको जगह किराए पर मिली थी, माल से मतलब ही नहीं है, सर्विस किसका है, पिक्चर नहीं चली तो किसे नुकसान होता है, जिसने बनाई है, हीरो तो कहेगा भी लाओ पैसे मेरे को, पैसे पैसे कर ले, चली नहीं चली ठीक है, उसका भी करियर डाउन हो गया वो अलग बात, लेकिन उस पिक्चर की वजह से उसे मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, जो पैसे तय थे मिल गए, सबको पैसे मिल गए वहाँ पर, अब नहीं चली तो उसका नुकसान है जिसने बनाई थी, लेकिन फ़ायदा भी अगर चल जाती तो एक्टर एक्ट्रेस को तो दे दिए पैसे, अब तो सारे पैसे किसी ने लेंगे उसी को मिलेंगे, बिजनेस चल निकला तो स्टाफ को तो फिक्स देना है, रेंट भी फिक्स देना है, लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है सारा किसका है, अभी तो उसी का। तो कॉमर्स में एक रूल होता है, एक कहावत है, मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। जिन चीज़ों में रिस्क ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा है, और जिन चीज़ों में रिस्क कम है वहाँ प्रॉफिट भी कम है। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन।
दिस फैक्टर इज नोन एज द एंटरप्रेनर, ऑर्गेनाइजर, मेकर और रिस्क टेकर. मैनेजर भी कह सकते हैं, रिस्क टेकर भी, ऑर्गेनाइजर भी, कुछ भी कह सकते हैं इस नाम. तो क्या फंक्शन है इसका? सबसे पहला तो यही है, इनिशिएट अ बिजनेस एंटरप्रेनर. सबसे पहला काम क्या है इसका? बिजनेस को इनिशिएट करना. इसीलिए तो अंबानी इसका नाम है. अंबानी उसके अकेले मालिक नहीं है आज की तारीख में. जिसके पास उसके शेयर हैं, भले एक शेयर आपके पास, आप भी उसके मालिक, लेकिन फिर भी सब लोग किसे जानते हैं? अंबानी. ज़्यादातर उसके पास है और उसने शुरू करा था. मेन बात, ही वॉज द इनिशिएटर. उन्होंने ही वो कंपनी शुरुआत करी, सोचा कैसे करना है. रिस्क बियरिंग ये है, सारा रिस्क किसका है? इंटरनेट पे है, क्योंकि बाकी सब लोगों को तो मतलब नहीं है ना, उनको तो तय है इतने पैसे मिलने. अब बिजनेस चले ना चले उतने पैसे मिल जाए. मैनी इकोनॉमिस्ट हैव एम्फसाइज दैट ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज इज टू बियर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. देयर कुड बी चेंजेस इन डिमांड फॉर कमोडिटीज. आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी डिमांड में चेंज हो गया. इन फैशन एंड टेस्ट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे उसका फैशन ही आउट हो गया. वर्कर से कह सकते हैं, भाई सब देखो जो प्रोडक्ट तुमने बनाया था ना उसका फैशन आउट हो गया, कोई खरीद नहीं रहा, तो तुम्हें पैसे नहीं देंगे. बन जाएगा आपकी बात. इन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. मान लीजिए आपका केमिकल का बिजनेस था आगरा में, तो गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी करा कुछ साल पहले कि ताजमहल के आसपास 10 किलोमीटर में जितनी केमिकल फैक्ट्रीज हैं सब बंद करो, कल से एक भी फैक्ट्री नहीं चलेगी. अब सोचिए जिसकी पुरखों से फैक्ट्री चल रही है, रात रात बंद हो गई, कुछ भी नहीं कर सकते. गवर्नमेंट दिल्ली में रूल लेकर आए कि जिनकी भी शॉप्स मॉल्स आसपास हैं कॉलोनी के, रेजिडेंशियल के, सब बंद. और सुबह बुलडोजर भेज दिया, सब तोड़ ताल देंगे. अब सोचो किसी की पीढ़ियों से दुकान है वहाँ, वही बेचारे के रोजगार का साधन है. अब दूसरी जगह दुकान करें, चले ना चले, बात ये ना. तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज हो गया. कोई प्रोडक्ट चाइना से मंगा रहे थे आप रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट ने कहा चाइना से बैन, अब हम नहीं मंगाएंगे रॉ मटेरियल. मटेरियल नहीं आएगा तो बनाओगे कैसे भाई? तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया, जीरो हो गया एकदम. दीज चेंजेस कुड बी फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द, उल्टा भी हो जाता है. अभी हम यहाँ से माल खरीद रहे थे महंगा है, गवर्नमेंट ने कल से कहा चलो चाइना से भी खरीद सकते, वहाँ से हमारे आधे रेट पर ही आ रहा है, तो प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया हमारा. लेकिन थर्ड गया है इनोवेशन. सम इकोनॉमिस्ट रिगार्ड इनोवेशन एज द ट्रू फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. इन ब्रॉड सेंस इनोवेशन इंक्लूड्स, क्या मतलब है इसका? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट मेथड, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड डिस्कवरिंग न्यू मार्केट्स. लेकिन इनोवेशन की एक लिमिटेशन है, इससे फायदा कुछ ही समय तक होता है क्योंकि कॉपी हो जाती है ना चीज़ें. इनोवेशन मे यील्ड प्रॉफिट्स फॉर द एंटरप्रेनर इनिशियली, बट वंस दीज आर अडॉप्टेड वाइडली, लेकिन जब सब लोग ये प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, द प्रॉफिट्स कुड डिस, बट द एंटरप्रेनर मे फर्दर इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशंस टू मेक प्रॉफिट्स. आपको लगातार चीज़ों पर मेहनत करनी है और लगातार प्रोडक्ट इनोवेट करने हैं. मैकडीज देखिए आप, मैकडीज की शुरुआत, शुरू में बर्गर बेचते थे, वैसे सॉफ्टी बेचते थे, बस यही तो बेचते थे. अब तो बहुत सारी रेंज आ गई क्योंकि उन्होंने देखा यार दो ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसमें मार्जिन भी उतना नहीं, अब लोगों में पैंट हो गई हमारी, और प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं. सब ऐसे करते हैं, एक प्रोडक्ट चलेगा तो धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर वो वैरायटी बढ़ाने लगते हैं. लोगों का विश्वास होता है कि चल यार ये तो ठीक था ही, बाकी भी ठीक ही होंगे इसके प्रोडक्ट. ठीक है जी, चलिए बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम. प्रोडक्शन से मतलब देखा हमने कि फैक्ट्रीज में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है.